खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुलाना में सरसों की खरीद शुरू, लेकिन किसान परेशान। कम खरीद होने से जुलाना, प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए उनकी सरसों की खरीद 15 अप्रैल से शुरू कर दी है, जिसके चलते जिन किसानों ने अपने खेतों की जानकारी पोर्टल पर भी दी है, उनके अनुसार प्रत्येक गांव से अलग अलग दिन 50 किसानों को बुलाया जा रहा है, जिसमें 25 किसान शुभ हैं। मैं 25 किसान शाम को अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन जिन्हें गेट पास दिया जाता है तो यह करीबन 4 क्विंटल के आसपास क्यों नहीं मिलता है, जबकि किसानों का कहना है कि क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार ने निर्धारित किया है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी केवल 4 क्विंटल के आसपास उनकी फसल खरीद रहे हैं। ऐसे में बची हुई फसल वापस अपने घर ले जानी पड़ रही है। फसल का क्या करें, हमें काफी नुकसान हो रहा है। जुलाना मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसानों का कहना है कि उन्हें फोन पर मैसेज भी मिला था कि आप अपनी फसल लेकर मंडी में आए, 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से फसल ली जाएगी, लेकिन यहाँ मंडी पर किसानों से बहुत ही कम मात्रा में सरसों की फसल खरीदी जा रही है। ऐसे में उन्हें अपनी बाकी की फसल को लेकर चिंता सता रही है और काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकार कहती कुछ और है और मंडी में मिल कुछ और रहा है, किसानों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। मेरी फसल मेरा मेरा किसानों की मिल रही है, उनकी खरीद हो रही है प्रति एकड़ 8 क्विंटल और ज्यादा से ज्यादा 25 क्विंटल की है। सर, कुछ किसान आए, उनका कहना है कि उन्होंने 3 से 4 एकड़ अपनी जमीन लिखवाई हुई है, जबकि खरीद 4 क्विंटल हो रही है। उनकी खरीद इसलिए 4 क्विंटल हो रही है क्योंकि उनकी 4 क्विंटल ही वेरीफाई हुई है अब तक। उनका दोबारा सर्कल में नंबर आएगा, उसके बाद वो वेरीफाई चली जाएगी, उनका नंबर तो खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है, हमारा बढ़िया काम चल रहा है। एक दिन में कितने किसानों को बुलाया जा रहा है? एक दिन में 25 किसान सुबह, 25 शाम को। आप लोगों को क्या समस्या आ रही है? हमारी जी समस्या ये है, हम अब जैसे सरकार ने सरसों की खरीद शुरू करी है, हमने जी अपनी सरसों जो है ना, मैंने 3 एकड़ की चढ़वाई हुई है ऑनलाइन। उस टाइम पे इन्होंने कहा था भाई 1 एकड़ की 8 क्विंटल के हिसाब से हम खरीदेंगे। हमने जी 3 एकड़ की मेरी चढ़ाई हुई है, आज मैंने जब गेट पास मिला तो इन्होंने मेरे को सिर्फ बोला कि 4 क्विंटल आपकी खरीद होगी, जबकि जी मेरी खरीद होनी चाहिए 24 क्विंटल की। तो इस हिसाब से बाकी सरसों जी इन्होंने बोल दिया जितनी आपकी है उतनी बिकाएगी, बाकी अपने घर लेके जाओ। जब इनसे सवाल किया गया मार्केट कमेटी वालों से कि जी आपने उस टाइम पर इतना बोला था, अब ये क्यों बोला, ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे जितनी कैपेसिटी है जितना हमें बोला गया उतना ही हम कर सकते हैं, आगे आप सरकार के पास जाओ या किसी बड़े अधिकारी के पास जाओ, हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये जो बाकी की बची हुई फसल है, इसका क्या करोगे? इसका क्या करेंगे जी, किसी का बारे में तो घेर नहीं सकते, 6 महीने की फसल है, इसी का सारा किसान जिंदा है जी। ये तो सरकार ने देखना कि अब ये क्या करेगी। किसान मरना है तो घर के रखवा दो, अगर हमारी रोटी पानी का जुगाड़ करना है तो जी हमारी सरसों रखवा दो। आपकी कितनी फसल बिकी थी और क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरी जी 4 क्विंटल सरसों बिकी है और बाकी की सारी प्रॉब्लम है, उल्टी ले जानी पड़ेगी जी। कितने टोटल सरसों दी जी? और आपकी कितनी जमीन, रजिस्ट्रेशन कितना कराया आपने? रजिस्ट्रेशन मैंने 3.5 किलो करा रखे जी। और खरीदी? खरीदी 4 क्विंटल है जी। तो बाकी के लिए क्या बोल रहे हैं अधिकारी? बाकी के लिए बोले हमने नहीं पता, ऊपर से जो आएगा हम तो वही कर देंगे। तो वापिस ले वापिस आएंगे।